जयपुर से बड़ी खबर है, डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव के निर्देश पर कार्रवाई हुई। तीन शातिर वाहन चोर नकबजन गिरफ्तार किए गए। अपराधी गौरव, तुलसी और शोएब को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। एक दर्जन वाहन चोरी करना, एक दर्जन लोहा चुराना और एसी वायर चोरी करना स्वीकारा है। पुलिस ने चोरी की 5 बाइक बरामद की है। अपराधी तुलसी और शोएब पूर्व में चालान शुदा है और हाईकोर्ट एचसी दशरथ सिंह और कांस्टेबल ओम प्रकाश डोबर की गिरफ्तारी में अहम भूमिका रही है। थानाधिकारी मदन लाल कडवासरा ने ये कार्रवाई की है। तो जयपुर से आपको ये जानकारी बता रही हैं। तीन शातिर वाहन नकबजनों को गिरफ्तार किया है और अपराधी गौरव, तुलसी, शोएब को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। इन्होंने बताया, एक दर्जन वाहन चोरी करना, एक दर्जन से ज़्यादा जो और गाड़ियाँ हैं उनको भी इन्होंने चुराया है। तीन शातिर वाहन चोर और नकबजन इनको गिरफ्तार किया गया है। इन्होंने एक दर्जन लोहा चुराना, एसी वायर चोरी करना और एक दर्जन गाड़ियां चुराना इसको कबूला है। और राकेश हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ गए। राकेश, क्या कुछ जानकारी है? बिल्कुल, लगातार जो वाहन चोर नकबजन के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है जयपुर की पुलिस। इसी क्रम में डीसीपी ईस्ट ज्ञानचंद यादव ने निर्देश दे रखे थे कि जो भी इलाके में सक्रिय वाहन चोर है, नकबजन है, उनकी गिरफ्तारी के लिए निर्देश जारी किए गए थे। उसी क्रम में मालपुरा गेट थाना पुलिस ने कार्रवाई की है। तीन शातिर जो अपराधी है उनको गिरफ्तार किया है। अपराधी गौरव, तुलसी और शोएब को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 5 बाइक बरामद की है और पूछताछ में एक दर्जन वाहन चोरी की वारदात सहित जो निर्माणाधीन मकान है, जो उनके यहाँ से लोहा चुराने की वारदात का भी खुलासा हुआ है। बहरहाल इन तीनों बदमाशों से मालपुरा गेट थाना में पूछताछ जारी है, अन्य वारदात सुनने की संभावना भी बनी हुई है। राकेश, क्योंकि ये गिरोह बताया जा रहा है, ये तीन ही लोग हैं, क्या इसके अलावा भी इनके गिरोह में कोई शामिल था और इन्होंने इसको लेकर कोई जानकारी दी? बिल्कुल, अभी जो प्रारंभिक जानकारी सामने आई है उसमें ये तीन ही बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिनसे बारी बारी से पूछताछ की जा रही है और कई अन्य वारदात के खुलासा होने की संभावना बनी हुई है। क्योंकि पूरी कार्रवाई को लेकर थाना अधिकारी मदन लाल ने एक टीम गठित की थी, जिसमें हेड कांस्टेबल दशरथ सिंह और कांस्टेबल ओम प्रकाश को लगाया था। सीसीटीवी फुटेज और जो पुलिस की जो योजनाबद्ध तरीके से इन अपराधियों को पकड़ने की रणनीति थी, उसके तहत ये काम किया गया है जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जानकारी के लिए।